हेलो एवरीवन, आज हम आपको सर्दियों की स्पेशल रेसिपी बताएंगे। ये है हलीम सीड। हलीम सीड इसको हमने 2-3 घंटे पानी में भिगो दिया था। भिगोने के बाद ये फूल गए हैं। 2 टेबल स्पून भिगोए, ये इस तरह से होते हैं छोटे छोटे ब्राउन कलर के। ये है हलीम सीड, इसको भिगो दिया तो भिगोने के बाद ये फूल जाते हैं और इस तरह से हो जाते हैं ये फूल के। एकदम कप भर गया हमारा, 2 टेबल स्पून थे। और थोड़ा सा केसर के धागे, काजू थोड़े से, बादाम थोड़े से, किशमिश छुआरे, छुआरे की जगह आप खजूर भी ले सकते हो, मखाने थोड़े से, और आधा लीटर दूध। सबसे पहले दूध को हमने उबलने रख देना है। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें हमने दूध डाल देना है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इससे थकान, अनिद्रा, कमजोरी, और ये सर्दियों में स्पेशल इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो दूध को अब उबाल आने देंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट जो हैं इसको हमने दरदरा पीसना है, किशमिश को छोड़ के। छुआरे अलग से पीसेंगे क्योंकि भिगोए हुए थे, अगर सूखे हों तो इसको ऐसे ही पीस लें साथ में, लेकिन ये तीनों चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में। दूध में उबाल आ चुका है, अब इसमें हमने केसर के धागे डाल देने हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो ज़रूरी भी नहीं है डालना। अब इसमें हमने हलीम के सीड डाल देने हैं। आजकल सर्दियों में कभी जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, बाजू दर्द, तो ये दर्दों को भी ठीक करता है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा गर्म है। हमने बताया गर्मियों में इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब इसमें इस तरह से इसको फोड़ देंगे कड़छी से, उबाल आने देना है। इसमें हमने चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, ना गुड़ चीनी, क्योंकि किशमिश और छुआरे का ही मीठा है, इसमें मिठास अच्छी आ जाती है छुआरे और किशमिश से। अब इसमें हमने ये सारे ड्राई फ्रूट और किशमिश डाल देनी है और छुआरे भी डाल देंगे और इसको चलाते रहें। चलाने के बाद इसको 5 मिनट सीम आंच पर हमने पकाना है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, सीम आंच पर रखा था, इतना गाढ़ा ही चाहिए हमें। अब ये तैयार है, गैस बंद कर दी हमने। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी हलीम की रेसिपी तैयार है। आप एक कटोरी सुबह नाश्ते में खा लीजिए, बहुत ही आराम आता है इससे, हमारे शरीर को ताकतवर है ये। अनिद्रा इससे दूर हो जाती, थकान, कमजोरी, सब कुछ इससे, दर्दें। तो आप रोज़ सुबह नाश्ते में एक कटोरी ले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।